वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सोमवार को मनोहर सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। पिछली बार की तुलना में इस बार भी 14.73% ज़्यादा का बजट रहा। केंद्र सरकार की तरह सबसे ज़्यादा फोकस मनोहर सरकार का भी किसानों और नौजवानों पर ही रहा। बजट में कोई नई घोषणा नहीं की गई। इस बजट में किसी तरह का कोई नया कर भी नहीं लगाया गया। वहीं केंद्र की तर्ज पर किसान पेंशन योजना की घोषणा भी की गई। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सोमवार को बजट पेश करने से पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण सुनाया। इससे पहले वित्त मंत्री ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर सुबह सुबह हवन भी किया। कैप्टन ने किसानों को पेंशन के लिए 1500 करोड़ का बजट आवंटित किया। सरकार की नई पेंशन योजना का लाभ 5 एकड़ तक की भूमि वाले काश्तकार किसान परिवारों और असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों के परिवारों को यह पेंशन देने का फैसला किया गया है। लेकिन इसका फायदा वही किसान उठा सकते हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। देश के जन जन के कल्याण के लिए जिस प्रकार से काम किया है वह काम और आगे बढ़े। सबका साथ सबका विकास का जो हमारा संकल्प है जिस प्रकार से हमने साकार करने का पिछले 4 वर्षों में प्रयास किया है, भविष्य में भी हरियाणा प्रदेश के एक एक व्यक्ति का एक एक घर में हम जो बजट है उसका लाभ पहुंचा सके, इस प्रकार का बजट बनाने का हमने प्रयास किया है। और हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो स्वर्ण जयंती वर्ष में मनोहर लाल जी ने एक संकल्प लिया था उसको साकार करने की दिशा में यह बजट अपना भूमिका निभाने का काम करेगा। देखिए, बजट बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। इलेक्शन में जाने से पहले जिस तरह का बजट होता है वैसे इस बजट ने ऐसा कोई इम्प्रेशन छोड़ा नहीं है। सिवाय अगर आप देखें कि पिछले साल का जो बजट था और इस साल के बजट में 14 पॉइंट समथिंग की बढ़ोतरी हुई है, ना कोई नया कर लगा है ना कोई नई घोषणा हुई है। तो इसलिए जो उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन में जाने से पहले खट्टर सरकार का जो आखिरी बजट होगा वो बहुत इम्प्रेसिव होगा और बहुत लुभावना होगा, पर ऐसा है नहीं। पिछले 4 सालों से हम देखते आ रहे हैं, पिछले 4 सालों में कोई अतिरिक्त कर नहीं लगा, तो इस बार भी जो बड़ी उपलब्धि है कि अतिरिक्त कोई कर नहीं लगा। तो वही स्वाभाविक था कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो कर नहीं लगेगा, पर कुछ और नई घोषणाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब जो बड़ी उपलब्धि इन्होंने गिनाई के जो कल बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करी है किसान सम्मान, तो वो उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं इसको दूंगा, तो वो तो फैसला सरकार का था और बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में है तो स्वाभाविक रूप से हरियाणा में भी ये लागू होगा। एक उल्लेखनीय बात ये रही इस बजट में कि 401 करोड़ का बजट इस बार खेल के लिए निर्धारित किया गया है। पिछली बार ये बजट में प्रावधान नहीं था, शामिल नहीं किया गया था। खर्च तो हो रहे थे खेल पे लेकिन अलग से कोई बजट नहीं था। इस बार 401 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान किया खेल के लिए। और सबसे जो मतलब चिंता वाली बात ये है कि पिछले 5 सालों तक यहाँ खिलाड़ी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं सरकार से, तो उम्मीद की जानी चाहिए थी या उम्मीद थी कि खिलाड़ियों की नौकरी को लेकर के भी कुछ नई बात आएगी, कुछ नई घोषणाएं होंगी, तो वैसा नहीं हुआ। इस बार का चुनाव कृषि आधारित होगा, यानी कि कृषि केंद्र में होगा चुनाव के, उसके बाद सारी जितने भी दल हैं सब उसी को केंद्र में रखकर अपनी घोषणाएं करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पर जो इस बार का जो बजट देख रहा हूं मैं, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कृषि को लेकर के कि जिससे किसान जो है तबका खुश हो जाए। और एक बड़ा तबका है हरियाणा में, तबका क्या कि आप अगर देख लीजिए तो कृषि प्रधान प्रदेश है ये, और उस हिसाब से जिस तरह की घोषणाएं होनी चाहिए थी, जिस तरह का बजट में प्रावधान होना चाहिए था किसानों को लेकर के, वो कहीं दिखता नहीं है। तो मौजूदा जो बजट है यानी इस बार का जो बजट है वो बहुत मतलब बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। हाँ, निराशजनक नहीं कह सकते लेकिन उत्साहवर्धक भी नहीं है जिससे लेकर के कोई जोश सा बन जाए। इंडस्ट्री को लेकर भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर के उद्योगपति खुश हो जाए। तो ये है इस बार के बजट में। जो ये असंगठित लेबर के लिए जो उन्होंने बनाया है पेंशन, देखिए ये सारी घोषणाएं जो उन्होंने क्या की है इस बार बजट में, कि उन्होंने पहले से ऑलरेडी कई घोषणाएं कर रखी थी जो इस बार उन्होंने बजट में शामिल कर लिया उसको। आज ही मैं गुड़गांव में था एक जगह पे, तो मैं देख रहा था कि कार लगा करके और जहाँ पे वो जो दैनिक मजदूर होते हैं
हर जगह के फरीदाबाद में भी और हर शहर में दैनिक मजदूर जो एक चौक होता है जहाँ पे लेबर चौक हर जगह फेमस हो चुका है लेबर चौक, वहाँ एक गाड़ी लगा करके लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आइए रजिस्ट्रेशन आइए करा लीजिए आपके खाते में सीधे पैसा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये बजट से पहले का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसको भी बजट की उपलब्धि नहीं मानेंगे कि इस नए बजट में कोई घोषणा, ये सारी घोषणाएं हैं पुरानी घोषणाएं हैं उसको ही इन्होंने इकट्ठा करके बजट में शामिल कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस बार उन्होंने 14 पॉइंट समथिंग जो है अपने बजट को ज़्यादा रखा है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इलेक्शन का जिस तरह का बजट होना चाहिए, मैंने पहले कहा कि जिस तरह का बजट होना चाहिए लोक लुभावने आदमी को, जैसे त्यौहार में होता है कि त्यौहार में किसी कंपनी में कोई काम कर रहा होता है तो मालूम होता है कि कंपनी वाले त्यौहार में कुछ बड़ा कुछ देंगे, तो इसी तरीके से कि सरकार बजट में जा रही है तो बजट के इलेक्शन के बहाने ही सरकार की तरफ से हमें कुछ मिलने वाला है, पर ऐसा कुछ मिलता दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और अभी और क्लियर हो जाए, अभी चूँकि सदन में रखा ही गया है तो अभी इसकी समीक्षा होगी, सारी चीज़ें जहाँ बाहर आएंगी उसके बाद पता चलेगा कि किसको क्या मिला। लेकिन पहली नज़र में आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत इंप्रेसिव बजट नहीं है, कम से कम इलेक्शन में जाने वाली पार्टी का या बजट हो ये थोड़ा सा उम्मीद से परे है। तो इस बजट से क्या हरियाणवी एक हरियाणा एक वाली जो इनकी कहावत स्टार्ट हुई थी तो वो कहीं इनको मैच कर रही है? बजट को लेकर के हम उसमें इस तरह से शामिल नहीं कर सकते चूँकि ये अलग अलग प्रावधान है और ऐसा कोई ऐसा बजट में ऐसा कोई कहीं से ऐसा कोई दिखता नहीं है कि ऐसा लगे कि सरकार जो है सारे हरियाणवी को लेकर के कुछ सोच रही है। इन्होंने जो अपना हाईलाइट ये किया, जो प्रोग्राम कल प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान योजना जो है वही इनका हाईलाइट है सबसे ज़्यादा कि हमने 1500 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। तो ये जो है चूँकि पहली घोषणा थी आपको करना ही करना था, तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, जो हो चुका है उसको आप शामिल कर रहे हैं इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें भी लोचा है, अभी इसकी भी आलोचना हो रही है जो किसान सम्मान दिया जा रहा है कि 70 रुपये दिहाड़ी मिलेगा पर डे, तो सरकार हो सकता है कि आगे जा करके और आलोचना का शिकार ही हो जाए इस मामले में।